नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एएससी ग्रुप सी और डी की वैकेंसी जब से आई है, बच्चों के लगातार कॉल मैसेज आ रहे हैं और मैं अपने कर्तव्य समझते हुए आपके सारे छोटे मोटे डाउट को क्लियर करने के लिए हमेशा आपके सामने हाजिर रहूंगा। अभी जो सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है एक और, वो है टाइपिंग डिटेल को लेके। तो टाइपिंग डिटेल पे एक संपूर्ण वीडियो, एक बहुत बेहतरीन वीडियो, जो इस वीडियो देखने के बाद आपको ना कोई वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कोई आपका डाउट रह जाएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम लोग आते हैं इस वीडियो में टाइपिंग डिटेल के ग्रुप सी और डी के जो पद हैं। क्या ग्रुप डी के भी पद पे टाइपिंग है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या स्टेनो में टाइपिंग है? हाँ, स्टेनो में टाइपिंग है। तो ये सारी चीजें लोग समझ पाएंगे जो टोटल 3306 पद भर्ती आई हैं। इनमें किन पदों पे टाइपिंग है तो कब होगी टाइपिंग, उनके फॉन्ट क्या होंगे, कौन कौन से बटन अलाउ होंगे, बैकस्पेस हो गया, कंट्रोल हो गया, टैब हो गया, ये सब इनेबल होंगे, डिसेबल होंगे, वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, क्या कोई गलती हो जाती है तो आप बैकस्पेस से या डिलीट बटन से उसे क्या कर सकते हो, फिर से करेक्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, टाइम कितना मिलेगा, पैसेज कितना मिलेगा, क्या स्पीड चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। और सबसे बड़ा एक जो डाउट है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं कि सर मुझे अभी टाइपिंग नहीं आती, क्या मैं टाइपिंग सीख सकूंगा अगर मैं अभी अप्लाई कर दूं तो टाइपिंग कब होगी, क्या इतने पर्टिकुलर समय में मैं टाइपिंग कर ले जाऊंगा? तो एक प्रश्न सबसे बड़ा आपका यह भी आता है। सारे प्रश्नों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहां पे आ गया हूं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि आप सभी के डिमांड पे टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन कोर्स, एक नया बैच बिल्कुल 2.0 जो है वो आपका लॉन्च कर दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप सी डी का। 1500 का बैच है, बट ये 4 अक्टूबर तक स्पेशल ऑफर आपका 4 अक्टूबर तक चलेगा। तो ये 4 अक्टूबर तक मात्र 499 मिलेगा, उसके बाद आपको ये किसी भी कीमत पे सस्ता नहीं मिलेगा। आपको ये पता है कि आपकी जो एएससी की वैकेंसी है 40 से 45 दिन में हो जाती है, और 40 से 45 दिन में आपकी क्लास कवर कराना, सारे सब्जेक्ट को कवर कराना, उनके प्रैक्टिस कराना, आपको सारे नोट्स कवर कराना, ये सब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए ये फीस शायद बहुत छोटी है। तो अभी तो फिर भी बहुत ये सूक्ष्म है, अभी ऑफर चल रहा है, 4 अक्टूबर तक आप इसे परचेज कर सकते हैं, जिनमें तमाम सारी चीजें मिलेंगी, वैलिडिटी आपके एग्जाम के डेट तक रहेगी, ये सारी किताबें भी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट स्पेशल है मिलेंगी, और परीक्षा प्लस ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं जरूरी दे दूं कि अभी बहुत सारे बच्चे लगातार ऐप पे आए हैं, या क्या हुआ है ऐसा कि ऐप थोड़ा सा प्ले स्टोर से क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से हम एक थोड़ा सा दूसरा लिंक आपको दे रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट liveparikshaplus.org जो वेब लिंक है उससे आप कर सकते हो, या फिर भी कोई समस्या है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, इन पे कॉल कर सकते हो। आते हम लोग टाइपिंग डिटेल के बारे में बात करते हैं कि टाइपिंग डिटेल सब कुछ ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आप देखेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहां पे देखेंगे ये एनटीए की तरफ से जारी किया गया था, और कंप्लीट इंस्ट्रक्शन में आपको बताने वाला हूं कि टाइपिंग में कौन से बच्चे कहां कैसे एलिजिबल हैं और कब कर सकते हैं, कब होगी टाइपिंग, सब कुछ। तो पहला प्रश्न तो आपका यही आता है, मैं यहां पे बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन आप सभी का आता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस हो, यहीं पे स्पेस है, मैं यहां पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। पहला सब क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि क्या सर मुझे टाइपिंग नहीं आती, ठीक है, अगर टाइपिंग नहीं आती तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो? ये बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात आप समझिएगा कि टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, इवन दो अगर स्टेनो वाली वैकेंसी की बात करें तो वहां पर क्या मांगा है, वहां पर सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या स्टेनो का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो? आपके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करो, जहां से आपने स्टेनो सीखा है आप उनसे बोल दो कि सर्टिफिकेट बना दें, या जहां से भी आपका बन पाया बनवा लो, उसमें कोई ऐसे गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कुछ ऐसे लिख के नहीं आया है, तो आप कोई भी सर्टिफिकेट लगा दो, बस उसमें क्या हो, किसी संस्था जो स्टेनो सिखाती है उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट हो, उसका साइन हो, काम चल जाएगा। तो स्टेनो वाले बच्चों का डाउट क्लियर कर दिया। अब मैं आता हूं टाइपिंग वाले बच्चों का कि टाइपिंग नहीं आती तो क्या करें, इसलिए मैंने स्टेनो का साथ में के चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एक सेम क्वेश्चन स्टेनो का होता है, सेम क्वेश्चन टाइपिंग का होता है, सर टाइपिंग नहीं आती, स्टेनो नहीं आता, अभी अप्लाई कर दूं क्या मैं सीख पाऊंगा? और इसमें जो छुपा हुआ प्रश्न होता है कि टाइपिंग कब होगी, ये टाइपिंग में कितना समय मिलेगा, एक प्रश्न आपको आपकी तरफ से आता है टाइपिंग में कितना समय मिलेगा, तो इसमें दोनों का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगर हम लोग आरओ यारओ वैकेंसी की बात करें तो वहां पर क्या था, वहां पर आपकी टाइपिंग साथ में हुई थी, लेकिन ग्रुप सीडी की बात करें तो वहां
पे टाइपिंग के लिए एक दो महीना मिला था। तो ग्रुप सी डी की वैकेंसी है, तो आपके पास एक से दो महीना मिलेगा। एक से दो महीना कब मिलेगा? एक से दो महीना आपको मिलेगा आपके रिजल्ट आने के बाद। तो ओवरऑल आज की डेट से देखा जाए, आज की डेट से भी 4 अक्टूबर से फॉर्म चालू होंगे, लगभग आपका अक्टूबर आधा निकलेगा। उसके बाद आपका, मैं मान के चलूं कि आज की डेट से अगर लगभग 45 दिन 50 दिन में आपका पेपर होता है, मतलब 1.5 महीने बाद आपका पेपर होता है आज की डेट से, है ना, फॉर्म भरने के बाद से केवल 40 दिन, आज की डेट से 1.5 से 2 महीने में लेके चलूं मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आप बोल लो, तो इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा अक्टूबर ले लो, पूरा नवंबर ले लो, मतलब नवंबर लास्ट से दिसंबर में आपका पेपर हो जाना है। और अगर दिसंबर तक आपका पेपर हो जाता है किसी भी कीमत पे, तो आप ये मान के चलिए कि आपका मिड दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। और मिड दिसंबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है, या थोड़ा बहुत लेट भी होता है किन्हीं कारणों से, ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसके बाद 2 महीने आपको टाइपिंग का समय मिलेगा। टाइपिंग का मतलब टाइपिंग होगी, यानी कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो कब जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी जनवरी या फरवरी में जा सकती है। तो आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 4 महीने हैं, और 4 महीने में टाइपिंग सीखी जा सकती है। कोई बच्चा पूछता है कि सर स्टेनो, तो मैं स्टेनो के लिए मना करूंगा, क्योंकि स्टेनो में अगर आपको 4 महीने मिलता है स्किल टेस्ट में, तो स्टेनो 4 महीने में नहीं सीखा जा सकता, जो प्रैक्टिकल बात है। कि स्टेनो सीखने में बच्चे लगभग क्या करते हैं, 1 साल लगा देते हैं सीखने के, तो आप 3-4 महीने में सीख लो, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्पीड जो है आपकी, एक्यूरेसी और स्पीड वो मेंटेन करने में आपको हार्ड प्रैक्टिस मांगती है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, जो प्रैक्टिकल सी बात है। फिर भी आप कहते हो कि नहीं सर मुझे भरना ही भरना है, तो भाई मैं रोक नहीं रहा हूं, आप कोई भी क्या हो, आप स्वैच्छिक है, आप आजाद हो, आप क्या कर सकते हो, आप भर सकते हो, वो कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को ना रोकता हूं, ना किसी को बोलता हूं कि आप करो, जो सही जानकारी वो मैं आपको देता हूं, ठीक है भैया। तो ऐसे टाइपिंग में बोलो 4 महीने, हाँ 4 महीने में टाइपिंग 1-1.5 महीने में सीखी जा सकती है, और अगले 1-1.5 महीने में उसमें स्पीड लाई जा सकती है, क्योंकि अभी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं मांगा है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप टाइपिंग में स्पीड गेन कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो छोटे छोटे प्रश्न थे, कि एक तो आपको क्लियर हो गया कि टाइपिंग सेम डे नहीं होगी एग्जाम की, और यह भी हो गया। एक क्वेश्चन आपका था कि क्या बोथ टाइपिंग जरूरी है, यह भी क्वेश्चन था कि बोथ टाइपिंग जरूरी है। हां तो भाई आपके लिए बोथ टाइपिंग जरूरी है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश आपका क्या है, दोनों ही टाइपिंग आपकी जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन आता है सर किस किस पोस्ट पे टाइपिंग है, क्या सारे पदों पे टाइपिंग है, तो सारे पदों पे टाइपिंग की बात कर दूं। सबसे पहले अगर लास्ट में देख लें कि पिछली बार को जो आपका क्या था, सेकेंड स्टेज एग्जाम था, वो कब पढ़ा था, वो आपका 30-31 मार्च का पढ़ा था स्टेनो का, और ग्रुप सी का जो पढ़ा था वो 25-26 मार्च को पढ़ा था, ठीक है। ड्राइवर का पढ़ा था कब, फरवरी में पढ़ा था, तो ये आप इस हिसाब से देख सकते हो। रिजल्ट आपका कब अवेलेबल हुआ था, आपका 19-1 को अवेलेबल हुआ था, जब एग्जाम कब था, एग्जाम आपका हुआ था 17-18 दिसंबर में, तो मतलब 1 महीना हार्डली क्या करते हैं, 1 महीना हार्डली में इनका रिजल्ट भी आ जाता है। ये आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझते हुए चलो। अब आते हैं, मैं बता दूं कहां कहां आपको टाइपिंग चाहिए। आप स्टेनो का पोस्ट भर रहे हैं तो आपको टाइपिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप क्या कर रहे हैं, क्लरिकल पोस्ट पे कर रहे हैं, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट वाले पे और पेड अप्रेंटिस वाले पे कर रहे हैं, तो भी आपको टाइपिंग की आवश्यकता है। क्या ड्राइवर वाले पोस्ट पे टाइपिंग की आवश्यकता है, ड्राइवर वाले पोस्ट पे टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको ग्रुप डी वाले पोस्ट पे टाइपिंग हो सकता है, ग्रुप डी वाले पोस्ट पे भी टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। तो इन दोनों पद पे टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका स्टेनोग्राफर और कौन सा ग्रुप सी वाले जो पद है क्लरिकल वाले, इन पे टाइपिंग की आवश्यकता है। स्पीड क्या चाहिए, स्पीड आपको 25 और 30 का चाहिए, 25 हिंदी का चाहिए, 30 आपका क्या चाहिए, 30 अंग्रेजी का चाहिए, और दोनों ही टाइपिंग जरूरी है। अब आते हैं एक एक बात पे हम लोग समझते हैं, तो थोड़ा सा समय यहां पे हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ये क्लियर दिख रहा है तो मुझे बता दीजिएगा एक बार, मैं वैसे थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं, है ना, ब्राइटनेस कम कर दे रहा हूं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अब देखते हैं इसने क्या बोला है, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर टाइप टेस्ट, ये क्या है, ये एनटीए के द्वारा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, उसके आधार पे बता रहा हूं। इस बार कोई परिवर्तन हो तो उसके लिए एनटीए या इलाहाबाद हाईकोर्ट जिम्मेदार होगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो पिछली बार यूज हुआ था, और वही जो यूज हुआ था 99.99% चांसेस है कि इस बार भी यूज वही होगा। तो दिस स्टेज जो सेकेंड टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश, इसने क्या बोला है भैया, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों। आप इस वर्ड को देखोगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जरूर है। अगर आप इंग्लिश स्किप करते हो या हिंदी स्किप करते हो, दोनों में से कोई एक स्किप करते हो, तो आपका टाइपिंग टेस्ट डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, आपको पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि बोथ इंग्लिश और हिंदी टाइप टेस्ट जो है वो क्या है, वो कैन नॉट लीव द एग्जामिनेशन, मतलब कि आप इसके बिना आप क्या कर सकते हो, आप जा नहीं सकते हो। और यहां पे बोल रहा है कि आपका दोनों जो टेस्ट होगा वो एक ही दिन में टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जाओ,
और फिर आप करो, आपका सेम सेटिंग में हिंदी भी होगा, सेम सेटिंग में आपका क्या होगा, इंग्लिश भी होगा, ठीक है। अगर किसी में भी अब्सेंट होते हो तो आपको क्या ट्रीट किया जाएगा, आपको डिबार माना जाएगा, आपको अब्सेंट माना जाएगा और आप भी वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड, यहां पर अगर आप देखोगे तो 300 वर्ड देता है इंग्लिश के लिए और करीबन 250 वर्ड देता है किसके लिए, हिंदी के लिए। तो आप ऐसे समझो, अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश के लिए 300 वर्ड देगा और ये कितना देगा, 10 मिनट के लिए देगा। तभी अगर आप क्या करोगे, तभी आप जब 300 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड कितनी आएगी, 30 वर्ड पर मिनट आएगी। क्या आएगी, 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आएगी इसीलिए। हालांकि जो पैसेज होता है वो 300 से करीबन 20-30-50 शब्द ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं मैं आपको बताता हूं, करीबन 320-350 शब्द इंग्लिश में मिलेंगे, ऐसे जो हिंदी में मिलेंगे वो 300 के आसपास शब्द मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। बट निर्धारित जो समय आपको मिलेगा वो 10 मिनट ही समय मिलेगा और दोनों बैक टू बैक समय मिलेंगे, टाइम आपको उसके बीच में ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आपको क्या बोला, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। अब बच्चे पूछते हैं कि सर फॉन्ट क्या है, किस फॉन्ट में करें, तो इंग्लिश का कोई फॉन्ट नहीं होता, इंग्लिश तो आप किसी भी फॉन्ट में क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी केवल और केवल मंगल फॉन्ट में है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें कुतदेव भी आना चाहिए, तो भैया मैं अब इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट और एक बार से नहीं लगातार करती आई है और एक वैकेंसी पहले से बोलती आई है कि वो मंगल फॉन्ट ही लेते हैं हिंदी हिंदी टाइप टेस्ट के लिए, इंग्लिश में आपका कोई भी हो। अब इन्होंने बोला कि मैक्सिमम मार्क जो है, मैक्सिमम मार्क दोनों के लिए अलग अलग है, इंग्लिश के लिए भी 25 और हिंदी के लिए 25 भी है, तो ऐसे 25+25 आपका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग होगी। फिर से प्रश्न बच्चा पूछता है कि सर क्या टाइपिंग में नंबर मिलता है, हाँ भैया टाइपिंग में नंबर मिलता है, 25 हिंदी के लिए मिलता है, 25 इंग्लिश के मिलता है, टोटल 50 हो गया, 100 नंबर का रिटर्न होता है, 150 नंबर का आपका पेपर टोटल होगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 150 नंबर में मेरिट बनेगी। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 123 से 125 के बीच में, ऐसे मैंने आपको कट ऑफ वाली वीडियो में दिखाया, उसे देख लीजिएगा। ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर चलता रहेगा और जो बताएगा वो क्या बताता है, वो आपका रिमेनिंग टाइम बताता है। इसने एक बहुत खास पॉइंट लिखा है, इसको देखना, कैंडिडेट कंप्लीट द पैसेज बिफोर 10 मिनट ड्यूरेशन, द कैंडिडेट हैज टू इमीडिएटली प्रेस, क्या करना चाहिए, प्रेस एंड टाइपिंग टेस्ट। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसने क्या किया, पूरा का पूरा पैसेज क्या किया, टाइप कर लिया, तो उसे तुरंत ही किस बटन पे करना है, इस पे एंड टाइपिंग टेस्ट करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप टाइपिंग करने जाते हो तो वहां पे, यार मैं लास्ट टाइम ये सारी चीज़ बताऊंगा बट अभी फिर भी बता दे रहा हूं कि जब आप टाइप करने जाओगे तो कई बार बच्चों की स्पीड अच्छी होती है और वो जो पैसेज दिया जाता है वो 10 मिनट के अंदर टाइप करके बैठ जाते हैं। अब वो उन्हें पता नहीं होता कि आपको एंड टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करना है, ऐसा ना करने से आपका समय तो बढ़ता जाता है, उसे क्या पता कि आप 5 मिनट पहले ही टाइप करके बैठ गए हो। क्लियर है बात? तो इस कारण से जो आपका टाइम काउंट होता है वो टाइम बढ़ जाता है, तो आपकी एवरेज स्पीड कम हो जाती है। बात क्लियर हुई? तो इस कारण से अगर एंड टाइपिंग टेस्ट पहले ही कर देंगे तो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो बढ़ेगी। अच्छा, अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसका निगेटिव मार्किंग भी होता है, वो चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं। कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू मेक करेक्शन। सबसे पहले कि अगर आपसे कोई गलती, जैसे आप टाइप कर रहे हो और टाइप करते समय आपको लग गया कि आपने ये वर्ड गलत कर दिया, जैसे कोई वर्तन या शुद्धि हो गई, जैसे आपने उर्वरक लिखना है तो उर्वरक में आपने ऊपर बाकी मात्रा नहीं लगाई, नीचे लगा दी, तो आपको लगा ये गलत हो गया, दोबारा टाइप करना है, या आपको लिखना है सैलरी और सैलरी में आपने लगाया एस ए एल एल ए आर आई, फिर आपको याद आया सैलरी में डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है, या फिर याद क्या वहां पे पैसेज में दिखा कि आपको क्या है, सैलरी में सिंगल एल लगा हुआ है, तो आप उसे क्या करोगे, फिर से बैक स्पेस करके आप उसे कट करोगे, उसे करेक्शन करोगे। तो करेक्शन में बैक स्पेस अलाउ होता है, मतलब कि एक एक लेटर पीछे आएगा। डिलीट बटन क्या होती है, डिसेबल होती है, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सी बटन डिसेबल होती है। क्लियर? तो आप बैक स्पेस से तो उसे करेक्ट कर सकते हो, या बैक स्पेस आके एक बार एक एक लेटर डिलीट करके बैक स्पेस आओगे, पीछे 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 आओगे एरो वाली की से, और फिर क्या हो जाएगा, फिर आप एक बैक स्पेस डिलीट करके फिर आप उस लेटर को फिर से सही कर सकते हो, तो ऐसा आपका हो जाएगा। इन केस द कंप्यूटर माउस अलॉटेड टू द कैंडिडेट मालफंक्शंस एनीथिंग एट टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली। अगर आपका कोई वहां पे दिक्कत होता है टाइपिंग करते समय, कोई सिस्टम नहीं चलता, कीबोर्ड नहीं चलता, तो आपको उसके लिए समय दिया जाता है, उसके लिए चिंता नहीं करना होता है, और इसीलिए आपको पहले जब टाइपिंग करने जाते हैं तो उसमें 5 मिनट टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब कि ऐसे आपका प्रैक्टिस होता है कि आप पहले देख लो कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ताकि आप पहले इंजीनियर को बता दो। ठीक है, अब आते हैं यहां पे जो स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज होता है, इंग्लिश के लिए 14 रखा जाता है, हिंदी के लिए 18 रखा जाता है, लेकिन फॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन आता है, तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान देना। यहां पे दिया है टाइप टेस्ट का प्रैक्टिस विंडो 5 मिनट के लिए खोला जाता है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ कीज आपके जो क्या होते हैं यहां पे बंद होते हैं। इस पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, इस पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
कुछ आपके जो कीज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके बंद होते हैं। क्या हो रहा है, कुछ कीज जो होते हैं वो आपके बंद होते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या बोला है कि जो कुछ कीज इसमें क्या होते हैं, ये कीज एंड फंक्शंस एज गिवन बिलो कौन से की होते हैं। आपको पुट सिंगल स्पेस बिटवीन टू वर्ड, टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच में सिंगल आपको स्पेस देना होता है, दो स्पेस देंगे एरर काउंट होगा। फॉलोइंग कीज इन द कंप्यूटर डिसेबल्ड, ये क्या होते हैं, कुछ की नहीं होते। कौन से, एस्केप की आपका क्या होगा, इनेबल नहीं होगा। ऑल फंक्शन, जो फंक्शन कीज होते हैं F1 से F12 तक, ये क्या होते हैं, ये भी डिसेबल होते हैं। टैब भी आपका क्या होता है, डिसेबल होता है। इंसर्ट भी डिसेबल होता है, डिलीट भी डिसेबल होता है, होम भी नहीं होता, एंड भी नहीं होता, एंटर भी नहीं होता, कंट्रोल की नहीं होता, लेकिन एरो की होता है। एरो की से आप दाएं बाएं जा सकते हैं या आप माउस की कर्सर से क्लिक करके वहां पे करेक्शन कर सकते हैं, माउस आपका इनेबल होता है। अब आते हैं कि आपके इसके अलावा कुछ और फीचर होते हैं। जो आपका ब्राउजर होगा उसमें क्या होगा, मीनू बार ये डिसेबल होगा। सिक्योर ब्राउजर एक ही खुला रहेगा, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे, वरना आपका टेस्ट चला जाएगा। ये समय जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा तब बताऊंगा। अब आते हैं कि यहां पे फॉलोइंग विल बी कंसीडर, इसमें एरर होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने क्या किया है, कोई शब्द ही टाइप करना छोड़ दिया है, तो वो एरर काउंट किया जाएगा। अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल लिया, आपने सैलरी में क्या लगा दिया, डबल एल लगा दिया, जबकि सैलरी में सिंगल एल है, तो वो एक सिंगल एल की वजह से आपका पूरा क्या किया जाएगा, कंप्लीट एरर, उस वर्ड को काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पंक्चुएशन गलती करते हैं, जैसे कहीं कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, हिंदी में पूर्ण विराम लगाना होता है, अर्ध विराम लगाना होता है, ऐसी कोई गलती करते हैं तो भी आपका वो फुल एरर माना जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा कर दिया है तो उसको क्या मान, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड अगर टाइप करते हैं तो उसे इग्नोर नहीं, जैसे जितना पैसेज दिया है, पैसेज के अगर कुछ बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि पैसेज के अलावा भी कुछ टाइप कर दें, कहीं क्या ले लेगा, सॉफ्टवेयर ले लेगा, तो सॉफ्टवेयर ऐसा बना होता है कि जो ऊपर वर्ड होते हैं उन्हीं को नीचे काउंट करता है। इसके अतिरिक्त आप अपना नाम लिखो, पापा का नाम लिखो, वो कुछ भी क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा। उसके बाद टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल, एनीथिंग अदर देन द कंटेंट ऑफ द पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन, पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। अगर आप इसके अलावा कुछ ट्रीट भी करते हो, सोचते हो, कुछ बच्चे सोचते हैं कि लाओ अपनी स्पीड बढ़ा दे कुछ भी टाइप करके, तो अगर आप कुछ जो पैसेज में दिया उसके अलावा टाइप करते हो तो उसे एरर काउंट किया जाएगा, वो नंबर कम करेगा। नंबर कम कैसे करता है, नंबर हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नंबर कटते हैं, दोनों में बराबर नहीं कटते। हिंदी में आपको एक गलती के लिए 0.1 नंबर कटता है, मतलब अगर आप 10 गलतियां करते हो तो आपका एक नंबर कट जाएगा। और वही टाइपिंग में क्या होता है, वही टाइपिंग में बच्चे नंबर करते हैं, तो ऑन एवरेज 20-25 गलती सब बच्चे करके आते हैं, तो 20-25 गलती करते हैं तो 2-2.5 नंबर टाइपिंग में कम हो जाता है। ऐसे इंग्लिश में जो होगा इसमें 0.0833 ही होगा। इंग्लिश में टाइपिंग में मतलब 1/12 के हिसाब से करते हैं, यहाँ पे 1/10 के हिसाब से, यहाँ पे 1/12 के हिसाब से, तो 1/12 के हिसाब से 0.0833 के हिसाब से नंबर कटेगा। मतलब अगर आप क्या करते हो, आप 12 शब्द गलत करते हो, तब आपका क्या होगा, एक नंबर आपका क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, जब आप 12 शब्द क्या करोगे, 12 गलतियां करोगे तब। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे 10 गलतियों पे एक नंबर माइनस हो जाएगा, इंग्लिश वाले में 12 गलतियों पे एक नंबर माइनस हो जाएगा। इसी कारण से टाइपिंग में बच्चे 50 में से देखा जाए तो 46-47-48 नंबर पाते हैं, ऑन एवरेज यही नंबर रहता है, ज्यादा अंतर नहीं रहता। टाइपिंग की फुल डिटेल मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। फाइनल आपको क्या करना रहता है, सबमिट करना रहता है, और स्टार्ट करने से पहले आई एम रेडी टू बिगिन करना रहता है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से टाइपिंग की आवश्यकता, जो डिटेल है, इसकी जरूरत नहीं है। अब रही बात आपके प्रश्न की, सर मेरे पास टाइपिंग नहीं आती, भर सकते हो आप, भर सकते हो, टाइपिंग तो सीखी जा सकती है, समय भी मिलेगा, आप कर सकते हो। क्या स्टेनो कर सकते हैं, स्टेनो में मैंने आपको बता दिया, स्वैच्छिक है। कुछ बच्चे ट्रिपल सी के लिए बोलते हैं, सर क्या समकक्षता वाला कर दे, मैंने आपको कल प्रूफ दे दिया, आपके ऊपर है, डिपेंड करना लेना ना लेना, मानना ना माना, हाई कोर्ट के ऊपर है। मैंने आपको एक प्रूफ ला के दे दिया, आपको लगता है कि हम समकक्ष, हम फॉर्म भर दें, आपको भर दो, मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं, आप अपना कोर्स बेचने के लिए आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं कोर्स बिक जाए इसलिए बोल रहे हैं। भैया मत लीजिए मेरा कोर्स, मुझे पता है जिस बच्चे को लेना होगा, जिस बच्चे को ट्रस्ट है, वो कोर्स लेगा, वो खरीदेगा, वो पढ़ेगा, वो सिलेक्शन लेगा। मैं किसी को झूठ बोल के कोर्स नहीं खरीदवाऊंगा, है ना, कि नहीं नहीं ये अलाउ है, नहीं अलाउ है। कल मैंने वीडियो बनाया दिया ट्रिपल सी वाला, उसे ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे शब्दों से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी आयोग ने माना है, हाईकोर्ट का ही आदेश है कि समकक्ष माना गया है, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा, तब भी तो आप में भी माना जाएगा। तो इन्हीं चीजों के साथ अपने शब्दों को मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। टाइपिंग टेस्ट के बारे में अगर आपको कुछ और भी पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं उसके सारे जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतने। कोर्स से जुड़ना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप यहां से जुड़ सकते हो। ऑफर 4 अक्टूबर तक है, इसके बाद बढ़ जाएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।